और COVID-19 का सामना बड़ी मजबूती के साथ कर रहे होंगे, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के यूथ को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो COVID-19 का सामना करे या डोमिसाइल का सामना करे। ये हमारी मौजूदा सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ की कमर तोड़ दी है। जो कब से तैयारी कर रहे थे, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम किसका सामना पहले करें, कोरोना का करें या डोमिसाइल का करें। 2G इंटरनेट पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 4G वालों से कंपैरिजन करेंगे, 4G से कम्पीट करेंगे। जो सरकार पिछले लगभग 10 महीने से 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं कर पा रही है, वो हमारे यूथ से एक्सपेक्ट करती है कि वो बाहर वालों के साथ कंपीट करे। अगर आपको ऐसा कुछ करना ही था, ऐसे कठोर फैसले लेने ही थे, तो पहले यूटी बनाते अच्छे से, 5 साल लेते, बाकी यूटीज के साथ कंपेयर करते, कॉलेजेस लाते, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाते, हमें भी लगता कि आपने यूटी बनाई है और उसके बाद हमें बाकियों के साथ कंपेयर करते। हालात वैसे की वैसे ही हैं, फायरिंग वैसे की वैसे ही है, बॉर्डर के हालात वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन नए से नए ऑर्डर आ रहे हैं, नए से नए लॉ आ रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। 370 टूटने के बाद से हालात वैसे के वैसे हैं, यूटी में कोई बदलाव दिखा नहीं है, लेकिन कमर तोड़ने वाले फैसले सरकार की तरफ से आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं और हमारे साथ के सारे यूथ जम्मू कश्मीर के इसके डोमिसाइल के सख्त खिलाफ हैं और हम इसका विरोध करेंगे और सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इसको जल्द से जल्द रिवोक करें। शुक्रिया।